जनता का आईना में सबका स्वागत है। 2018 में भीमा कोरे गांव में, जहां पर 200 साल पहले दलित और जो भी पिछड़े समाज के लोग थे, उन्होंने पहली बार जो सत्ता में थे आज तक और जो पेशवाई थी उनके खिलाफ एक विद्रोह करने का उनको मौका मिला और उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी जिसमें पेशवाओं की हार हुई। तो ये जो लड़ाई थी, 200 साल हो गए और उसका सेलिब्रेशन करने के लिए जब जनता इकट्ठा हुई भीमा कोरे गांव में पुणे के, तो वहां पर एक षड्यंत्र रचकर उनका ये कार्यक्रम असफल करने का और उनपे अत्याचार करने का जो प्रयत्न किया गया, जिन पर अत्याचार किया गया उन्हीं पर झूठे केस बनाए गए और जो अत्याचारी थे मिलिंद एक बोटे या संभाजी भिड़े, उनको कहीं पे भी अरेस्ट नहीं किया गया, जबकि कोर्ट ने उनकी बेल एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर दी थी। तो ऐसे सब माहौल में आज जो अपराधी होना चाहिए वो खुले घूम रहे हैं और जो लोग कार्यकर्ता जिन्होंने आवाज उठाने का काम किया था, जिन्होंने लोगों को संगठित करके लोगों की आवाज को आगे बढ़ाने का काम किया था, उन्हें जेल में डाल दिया गया है। तो इसके बारे में आप जरा विस्तार से बताइए। आपने जो अभी सवाल पूछा कि क्यों इस तरीके से, किस तरीके से झूठे केस में कार्यकर्ताओं को आज डाला जा रहा है, और खास करके हाल ही में यही हफ्ते में जब 3 कबीर कला मंच के कार्यकर्ताओं की अरेस्ट हो चुकी है, तो इसके पीछे की अभी ये आंकड़ा कुल मिला के 15 तक पहुंच चुका है, तो क्यों इस तरीके से पूरे देश भर के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया जा रहा है और क्यों इस तरीके की फैब्रिकेटेड केस बनाई जा रही है? तो मुझे लगता है कि इसके अगर हम लोग थोड़ा सा जड़ में जाने की कोशिश करें और ये ढूंढने की कोशिश करें कि 1 जनवरी 2018 के हमले किस तरीके से हुए थे, तो मुझे लगता है ये फैब्रिकेशन सरकार को, देवेंद्र फडणवीस सरकार को और पूरे बीजेपी की सरकार को, केंद्र में बैठी हुई सरकार को क्यों करना पड़ा के नतीजे तक हम पहुंच सकते हैं और इसका पर्दाफाश हो सकता है। तो मुझे लगता है कि मैं इस प्रोसेस में ज्यादा जाना चाहूंगी। शकील जी, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि एक तो 200 साल पूरे हो रहे थे 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव के युद्ध, और इस युद्ध को कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र में या फिर पूरे देश भर में अम्बेडकराइट पूरे प्रवाह में इस युद्ध को जाना जाता है हमारे अभिमान का युद्ध, हमारे स्वाभिमान का युद्ध, और कहीं ना कहीं इस युद्ध को विजय दिवस करके मनाया जाता है, और वो सिर्फ 200 साल बाद मनाया नहीं गया, पहली बार 1927 में जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर खुद वहां पे भीमा कोरेगांव में गए थे और उन्होंने खुद वहां पे जाके इस स्तंभ जो था, जो विजय स्तंभ था वहां पे, उसको अभिवादन किया था और उन्होंने कहा था कि इंग्रजों के खिलाफ देश के लोगों ने एक तरीके से ये युद्ध करना, ये दर्द भरा है, लेकिन ये क्यों उनको ये पेशवाओं के खिलाफ, इंग्रजों के साथ मिलकर पेशवाओं के खिलाफ ये युद्ध लड़ना पड़ा? तो उस टाइम की जो सोशल रियलिटी थी, उस टाइम की जो सोशल सिचुएशन थी, पेशवाओं का और पेशवाई का जो एक तरीके से दलितों पर, बहुजनों पर, महिलाओं पर अत्याचार था, तो इस सब अन्याय के खिलाफ उन्होंने लड़ा हुआ ये भीमा कोरेगांव का युद्ध है, और अगर ये हम सोशल रियलिटी ध्यान में नहीं लेंगे तो हम इस युद्ध को समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए 1927 में जब बाबा साहब वहां पे जाके आए पहली बार 1 जनवरी को, तो उसके बाद वहां पे भीमा कोरेगांव में लोगों का जाना शुरू हुआ और हर 1 जनवरी को लोग लाखों की तादाद में भीमा कोरेगांव में जाते हैं और वहां पे अपना नमन करते हैं, अभिवादन करते हैं उस स्तंभ को और वहां की प्रेरणा लेते हैं। तो इस साल जब 200 साल पूरे हो रहे थे तो महाराष्ट्र की सभी संगठन, जो सामाजिक संगठन थे, उन्होंने जस्टिस पीबी सावंत, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रह चुके हैं, और जस्टिस बीजी कोसे पाटिल, जो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज रह चुके हैं, तो इन दोनों जस्टिस के नेतृत्व में कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र के सारे संगठन, चाहे वो अम्बेडकराइट हो, चाहे वो सोशलिस्ट हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन को आगे लेके जाने वाले संगठन हो, संविधान बचाने वाले, लोकशाही बचाने वाले, लोकतंत्र बचाने वाले संगठन, ये सारे संगठन और अलग अलग कास्ट के संगठन, मतलब इसमें सिर्फ बुद्धिस्ट या फिर दलित नहीं थे, तो इन सारे संगठनों में अलग अलग जाति धर्म के संगठन एक साथ आए। पहली बार हिस्ट्री में मराठाओं ने या फिर मुस्लिमों ने ये बोला कि भीमा कोरेगांव का जो स्तंभ है, भीमा कोरेगांव का जो युद्ध हुआ था, वो हमारी अस्मिता है, वो हमारी अस्मिता का प्रतीक है। और इस तरीके से ये सारी जाति, जो पिछड़ी जाति है, जो शोषित पीड़ित वंचित समूह है, वो सारे संगठन एक साथ आए और महाराष्ट्र के कुल मिला के 260 संगठन एक साथ आके
इन्होंने ये यलगार परिषद करने का और 1 जनवरी 2018 को 200 साल पूरा होने का एक क्या कहते हैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने का और ये जनता में प्रबोधन लेके जाने का एक एक तैयारी शुरू की। कहीं ना कहीं इसमें रिलेशन ये था कि हम इस तरीके से देख रहे थे, मतलब ये सारे संगठन जस्टिस बीजी कौशिक पाटिल, जस्टिस पी वी सावंत, हम सबकी एक ही विचारधारा थी कि 200 साल पहले जिस तरीके से पेशवाई राज कर रही थी और वो ब्रूटल एक तरीके की डिनास्टी थी, कास्टिस्ट डिनास्टी थी, पेट्रियार्कल डिनास्टी थी, उसी तरीके से आज कहीं ना कहीं फिर से 200 साल बाद केंद्र में और राज्य में, उस टाइम पे बीजेपी की सरकार राज्य में थी, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार ही है, तो 200 साल बाद कहीं ना कहीं फिर से एक बार ये फैसिस्ट सरकार पेशवाई के रूप में हमें फिर से दिखाई दे रही है। तो ये नई तरीके की पेशवाई है। तो जिस तरीके से 200 साल पहले उस पेशवाई को सारे बहुजन दलित लोगों ने और अलग अलग कास्ट रिलीजन रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोगों ने एक साथ आके परास्त किया था, चित किया था, उसी तरीके से 200 साल बाद आज फिर से ये जरूरत आ पड़ी है कि ये सारे समूह एक साथ आके अभी की पेशवाई को, आरएसएस को, बीजेपी को कहीं ना कहीं परास्त करे और ये एजेंडा लेके हम सारे लोग एक साथ आए और इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक साथ खड़े होने की कहीं ना कहीं कसम खाई। तो यलगार परिषद का मकसद ये बहुत क्लियर था, तभी भी क्लियर था और हमें 1% भी इसको लेके पछतावा नहीं है कि ऐसे कुछ हुआ। हम कितने भी लोग आज अरेस्ट हो रहे हैं लेकिन हम हमारे मुद्दे पे, हम हमारे निश्चय पे आज भी कायम है कि तभी भी हम आरएसएस और बीजेपी की ये फैसिस्ट और ब्राह्मणवादी विचारधारा के खिलाफ थे और वही शपथ हमने दिसंबर 2017 को शनिवारवाड़ा से यलगार परिषद में ली थी कि हम संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कहीं ना कहीं इस फैसिस्ट विचारधारा से, इस ब्राह्मणवादी विचारधारा को जो लोग लेके आगे लेके जा रहे हैं, चाहे वो आरएसएस हो, बीजेपी हो या फिर उनके सारे टेररिस्ट हिंदुत्ववादी आउटफिट्स हो, इन सबके खिलाफ कहीं ना कहीं एक मोर्चा खड़ा करेंगे और हम बीजेपी को कभी भी जिंदगी में वोट नहीं करेंगे। ये ओपन ओथ हमने शनिवारवाड़ा से ली थी और इसीलिए कहीं ना कहीं उनको एक बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दिया कि पूरी सोसाइटी के सारे दबे कुचले लोग आज एक साथ आके ये अगर शपथ ले रहे हैं तो उनके लिए जरूर ये थ्रेट था, सत्ता के लिए जरूर ये चुनौती थी, इसीलिए इसके बाद ये फैब्रिकेशन रचा गया। अभी मैं ये कहना चाहूंगी कि 1 जनवरी को जो जिस तरीके से हमले किए गए 2018 में, तो ये भीमा कोरेगांव में जो हमले हुए वो हम नहीं मानते कि वो स्पॉन्टेनियस हुए या फिर एक दो दिन की कुछ घटना थी। मैं इस पे जोर देना चाहूंगी कि पूरे जब भी हम ब्राह्मणवादी प्रतीकों को चुनौती देते हैं, उनके ब्राह्मणवादी प्रतीकों को एक तरीके से उनकी रियलिटी लोगों के सामने लाते हैं, जैसे मैंने बोला कि हम पेशवाई क्या है ये लोगों के सामने लेके आए, हम भीमा कोरेगांव के युद्ध की रियलिटी लोगों के सामने लेके आए, तो ये जिस तरीके से उनमें एक घबराहट सी हो गई और एक तरीके से उनमें वो गुस्सा था कि हमारे प्रतीक को कहीं ना कहीं ये लोग चुनौती दे रहे हैं। और जब भी ऐसी चुनौतियां दी गई है, चाहे पुणे में हम जैसे जानते हैं जभी दादोजी कोंडदेव के बारे में रहेगा या फिर जेम्स लेन का जो भी मुद्दा हुआ होगा जहां पे उन्होंने शिवाजी महाराज की बदनामी की थी, चाहे वो मोहसिन शेख के टाइम में जिस तरीके से पुणे में मोहसिन शेख का जो मॉब लिंचिंग हुआ, जिस तरीके से पुणे में मुस्लिमों पे उन्होंने एक तरीके से पूरी की पूरी कौम को वहां पे लिंच किया था या फिर हमले किए थे बस्तियों में जाके, मस्जिदें जलाई थी, तो इन सारी चीजों का बैकग्राउंड कहीं ना कहीं था कि उनका ये हमेशा से मॉडल ऑपरेंडी रहा है कि इस तरीके से लोगों में गलत तरीके का कैंपेनिंग लेके जाए और ब्राह्मणवादी प्रतीकों को जब भी चुनौती दे दी जाती है तभी उसका असर वो लोग इसी तरीके के दंगे करवाते हैं, मॉब लिंचिंग्स करवाते हैं, हमले करवाते हैं। ये ब्राह्मणवादियों का, फैसिस्टों का एक मोडस ऑपरेंडी रहा है हमेशा से ही। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भीमा कोरेगांव होने से पहले, हमले होने से पहले इसकी तैयारी अलग अलग जगह पे पुणे में की गई थी। हम ये समझना चाहिए कि ब्राह्मणवादी लोग कभी भी जो हमले है वो अपने एरिया में नहीं करते, जहाँ पे अपर कास्ट या फिर ब्राह्मण की लोकैलिटी होती है या फिर उनके लोग जहाँ पे रहते हैं वो वहां पे हमले नहीं करवाते, वो हमेशा आउटस्कर्ट्स में हमले करवाते हैं। तो उसी का एक प्री प्लान था। अक्टूबर 2017 से लेके दिसंबर 2017 तक पूना के पिंपरी चिंचवड में ऐसे बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी हो रही थी जहां पे वो मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे और कहीं ना कहीं 2-3 इंसिडेंसेस ऐसे है
मैं शायद समय ज्यादा यहाँ नहीं रहेगा तो मैं शायद डिटेल में नहीं जा पाऊंगी, लेकिन इसके सारे जो प्रूफ्स है वो हमारे पास है। तो अक्टूबर 2017 से लेके दिसंबर 2017 तक उन्होंने पिंपरी चिंचवड, निगड़ी, ओटा स्कीम, ये जो पुणे के अलग अलग एरिया है, यहाँ पे कोशिश की कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं टारगेट किया जाए और मुसलमानों के खिलाफ वो लोग मोर्चा खड़ा, मतलब खोटे केसेस उन्होंने मुसलमानों पे डाले। मीनारा मस्जिद करके था तो वहां पे बाहर खड़े रह के उन्होंने क्या कहते हैं कम्युनल नारे दिए। वो नारे ऐसे थे, कौन बड़ा कौन बड़ा, अकबर बड़ा या गौ माता का गोबर बड़ा, इस तरीके के नारे वो मुसलमानों के सामने दे रहे थे। दूसरे नारे कुछ थे, उठा गांडा भगाओ लांडा, इस तरीके के नारे उन्होंने ऐसे अलग अलग बस्तियों में दिए। और कम्युनल टेंशन खड़ा करने के लिए जब मुस्लिम लोग नमाज पढ़ रहे थे तभी वहां पे जाके ये नारे वो लोग दे रहे थे। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस उन्होंने, प्रोवोकेटिव इंसिडेंसेस पिंपरी चिंचवड़ के आजू बाजू के एरिया में किए हैं जिसपे FIR लॉज है। और ये सब अक्टूबर 2017 टू दिसंबर 2017 चल रहा था, तो उनको ये चाहिए था, लेकिन मुस्लिमों ने उनको उस तरीके से कोई भी जवाब नहीं दिया और वो जो करना चाहते थे उसमें वो सक्सेसफुल नहीं रहे। उनका मकसद यही था कि कहीं ना कहीं एक कम्युनल टेंशन पुणे के आजू बाजू में तैयार हो और 31 दिसंबर को या फिर 1 जनवरी को इसके कुछ रिपरकशंस पूरे पुणे में और आजू बाजू के भीमा कोरेगांव के एरिया में हो। तो ये कॉन्स्पिरेसी क्या है, इसके प्रूफ जो FIR सभी मुस्लिमों की तरफ से किए गए, मुस्लिम संगठन की तरफ से जो विक्टिम्स थे जिन्होंने FIR किए, वो सारे FIR हमारे पास है, उसके सबूत है जो हम भीमा कोरेगांव कमीशन में दे चुके हैं। ये एक पार्ट है, इसके डिटेल में जाएंगे तो हम लोग समझ पाएंगे कि भीमा कोरेगांव की कॉन्स्पिरेसी भी किस तरीके से कही गई। दूसरा पार्ट ये था कि भीमा कोरेगांव के युद्ध के बारे में, और खास तौर से अगर हम बड़ू बुद्रुक जो भीमा कोरेगांव के स्तंभ से एक गांव है 7 से 8 किलोमीटर दूरी पे है, और ये जो गाँव है वहां पे संभाजी महाराज जो थे उनका एक वहां पे समाधि है, और उस समाधि के बाजू में करीबन 500 मीटर के अंतर पे रहेगा गोविंद गोपाल महाल जो थे उनकी समाधि वहां पे है। तो इन्होंने इस बड़ू बुद्रुक के गोविंद गोपाल महाल के समाधि को लेके एक कंट्रोवर्सी, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। और वहां पे गोविंद गोपाल महाल ये वो बंदे थे जिन्होंने संभाजी महाराज के जब पूरे देह के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो गोविंद गोपाल महार कम्युनिटी से जो थे उन्होंने संभाजी महाराज के सारे टुकड़ों को लपेटा और वहां पे उनपे अंतिम संस्कार किया था। तो आज भी उनकी समाधि को बहुत बड़ा माना जाता है, उनके कंट्रीब्यूशन को बहुत बड़ा माना जाता है, और संभाजी महाराज के फ्यूनरल का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी जिन्होंने लिया उसको भी अभिवादन करने के लिए अम्बेडकराइट्स वहां पे जाते हैं, उनको अभिवादन करते हैं। तो ये जो संभाजी महाराज की समाधि है इसका जो पूरा काम है वो मिलिंद एकबोटे के पास दिया गया था, और सरकार ने मिलिंद एकबोटे जिस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है उस ऑर्गेनाइजेशन को सरकार की तरफ से ये दिया गया था कि आप संभाजी महाराज की समाधि का कहीं ना कहीं देखभाल कीजिए। तो इन लोगों ने 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक वहां पे वो जो गोविंद गोपाल महार की समाधि थी उसको वैंडलाइज किया। वैंडलाइज करने के बाद एक बहुत बड़ा कम्युनल टेंशन, कास्टिस टेंशन, कास्ट को लेके वहां पे टेंशन क्रिएट हुआ। 27 दिसंबर को कम से कम 48 लोगों पे वहां पे FIR किया गया जिसमें मिलिंद एकबोटे का जिक्र है। तो ये सारी प्री प्लानिंग जो थी वो पहले से शुरुआत थी कि 1 जनवरी को एक तरीके से पूरे टेंशन कैसे किए जाए, खड़े किए जाए। और उसके बाद में 27 दिसंबर को जब ये FIR हुई जो जिसमें मिलिंद एकबोटे का जिक्र है, लेकिन पुलिस ने मिलिंद एकबोटे का नाम जिन 48 लोगों पे जिन्होंने वैंडलाइज की वो समाधि, जिन 48 लोगों पे ये FIR डाली उसमें मिलिंद एकबोटे का बिल्कुल भी नाम पुलिस ने नहीं लिखा। FIR में जिक्र किया लेकिन उस पे FIR नहीं डाला, मतलब FIR में उसका कल्प्रिट करके, एक्यूज करके उसका नाम नहीं लिया। उसके बाद 29 दिसंबर को SP सुएज हक जो थे उन्होंने इसमें इनिशिएटिव लेके, दोनों तभी रूरल के SP थे सुएज हक, तो उन्होंने इन दोनों कम्युनिटीज को, बुद्धिस्ट कम्युनिटी को और फिर मराठा कम्युनिटी को साथ में बिठा के कहीं ना कहीं ये मामला जो है ये मामला एक तरीके से शांत किया। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि अगर इतनी बड़ी वैंडलाइजेशन वहां पे हुई थी, वैंडलिज्म हुआ था और जो कल्प्रिट थे जिसमें मिलिंद एकबोटे का नाम था, तो SP सुएज अपने उस टाइम पे मिलिंद एकबोटे पे क्यों एक्शन नहीं ली और इन सारे लोगों पे एक्शन क्यों नहीं ली?
ये बहुत बड़ा सवाल वहां पे आता है। तो वडू बुद्रुक में 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ये सारे टेंशन क्रिएट किए गए और वो जानबूझ के किए गए थे। और उसके बाद वडू बुद्रुक में ना पुलिस ने उस तरीके की फोर्स लगाई कि 1 जनवरी को अगर उनको पता है कि इतना बड़ा 200 साल होने वाले हैं, लाखों लोग महाराष्ट्र से आने वाले हैं, तो पुलिस की ये जिम्मेदारी थी कि कहीं ना कहीं उनकी फोर्स ये इन सब जगह पे पूरे एरिया में जितना भी बड़ा रेडियस है वहां पे वो अपनी फोर्स लगाए। लेकिन फोर्स वहां पे लगाई नहीं गई। 1 जनवरी को जो 200 साल मनाने के लिए लोग आ रहे थे, तो उसके पहले कम से कम 10 से 15 दिन पहले सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग चल रहे थे। कैंपेनिंग ये थे कि 1 जनवरी को जो लोग आ रहे हैं, जो युद्ध है उसको 1 जनवरी को हम ब्लैक डे करके मनाएंगे। और ये 1 जनवरी को डाले नहीं गए, इसके पहले डाले गए। तो हमारा ये सवाल है पुलिस को, या हमारा ये सवाल है उस टाइम के सरकार को, जो देवेंद्र फडणवीस जो CM थे उस टाइम पे, चीफ मिनिस्टर थे और वो होम मिनिस्टर भी थे, हमारा उनको ये थेट सवाल है कि आपका साइबर क्राइम का डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, जब इस तरीके के पोस्ट फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बहुत खुलेआम तरीके से डाले जा रहे थे। उन्होंने तो उस पोस्ट में, जो शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के लोग हैं, जो परशुराम सेना के लोग हैं, जो मिलिंद एकबोटे के समस्त हिंदू आघाड़ी के लोग हैं, इन लोगों ने फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे ऐसे पोस्ट डाले हैं कि 1 जनवरी को हम लोग को इस स्तंभ का भी बाबरी मस्जिद जैसा हाल करना पड़ेगा। इस तरीके के पोस्ट जब ये लोग डाल रहे हैं मोबिलाइजेशन के लिए, ये लोग 29 दिसंबर से आजू बाजू के जो फोर्ट थे, चाहे वो राजमाची हो, लोहगढ़ हो, इन फोर्ट पे ये लोग वेपन्स लेके तैयार थे। यहाँ पे इन्होंने मोबिलाइजेशन करवाए और उनके चेक इन जो फेसबुक पे चेक इन पोस्ट आते हैं कि हम कहाँ है ये फेसबुक पे दिखाई देता है, तो उनके चेक इन आजू बाजू के एरियाज में दिख रहे हैं जिन्होंने ये पोस्ट डाले कि अभी आंकड़ा क्या हुआ है, अभी हम लोग 1 जनवरी को कितने लोगों को पीटा हमने, ये खुलेआम तरीके से फेसबुक पे सारे पोस्ट अवेलेबल है। और अगर पुलिस इसमें जांच नहीं कर पाई, अभी 3 साल होते आएंगे अगर आने वाली 1 जनवरी को, और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कोई भी तरीके से लाइन ऑफ इंक्वायरी पुलिस के आगे नहीं गई। क्या हम इसको इंटेलिजेंस फेल्यूर बोले? इंटेलिजेंस फेल्यूर किस चीज को बोलते हैं? अगर हम लोग इसे इंटेलिजेंस फेल्यूर बोले तो कहीं ना कहीं हम पुलिस की पूरी नीति को, पुलिस के पूरे एक तरीके से काम करने के तरीके को हम लोग एक तरीके से नजरअंदाज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस फेल्यूर नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, मतलब चाहे वो IB हो, चाहे वो ATS हो, चाहे बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी, इन सब ने मिलके RSS के साथ, मनोहर भिड़े, संभाजी भिड़े के साथ, मनोहर कुलकर्णी के साथ, मिलिंद एकबोटे के साथ मिलके ये की हुई साजिश है, जिसमें उस टाइम के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस का भी उतना ही हाथ है इस पूरे अटैक को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, क्योंकि उन्होंने पुलिस फोर्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज को कहीं ना कहीं वहां पे बिल्कुल भी डिप्लॉय नहीं किया। और ये लगातार वो झूठ कहते आए हैं कि मुझे कुछ भी इसके बारे में पता नहीं था। अगर चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर होके आपको जो हमले होने वाले, इतने बड़े हमले होने वाले, इसकी खबर नहीं है, तो आप उसमें इक्वल कल्प्रिट है, आप भी उतने ही अक्यूज है जितने संभाजी भिड़े और मिलिंद एकबोटे अक्यूज है। तो मुझे ऐसे लगता है, और ये सारे जो प्रूफ्स है, ये सारे जो एविडेंसेस है, जब भी भीमा कोरेगांव का कमीशन बनाया गया, जो जस्टिस जे एन पटेल के अध्यक्षता में बनाया गया, जिसमें भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि वो जो कमीशन बनाया गया उसके पहले 1 जनवरी को हमले हुए, 3 जनवरी को हम जब सब जैसे जानते हैं कि महाराष्ट्र बंद हुआ, इसका जो रिपरकशन था 1 जनवरी को जो हमले हुए उसका निषेध करने के लिए लोग रास्ते पे आए, उन्होंने महाराष्ट्र बंद कर दिया, इसमें सारे संगठन एक साथ थे, एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने इसका लीडरशिप किया था इस महाराष्ट्र बंद का। और इस महाराष्ट्र बंद के बाद बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों में, गांवों में जा जाके पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन करवाए और अम्बेडकरी कार्यकर्ताओं पे बहुत सारे केसेस डाले। रात को 2-2, 3-3 बजे पुलिस झुग्गी झोपड़ियों में जाती थी, बस्तियों में जाते थे, दरवाजा खटखटाते थे और अम्बेडकरी कार्यकर्ताओं को पुलिस स्टेशन में लेके जाते थे। बहुत मारा है, पीटा है, सारे वीडियोस पुलिस एट्रोसिटीज के हमने बाहर निकाले थे तभी। और इस तरीके से एक तरीके का दमन सत्र जनवरी 2018 से लेके उन्होंने कहीं ना कहीं मई जून 2018 तक ये कॉम्बिंग ऑपरेशन चलवाया। और ये कॉम्बिंग ऑपरेशन चलवा के एक बाजू में इस तरीके के अम्बेडकर कार्यकर्ताओं पे दमन नादा जा रहा है, मतलब 1 जनवरी पे हमले उन्हीं पे हुए और पुलिस उन्हीं को बाद में मार रही है, पीट रही है, एट्रोसिटीज करवा रही है, गाली गलौज करवा रही है।
और उसके बाद आप जैन पटेल सर के नेतृत्व में जो कमीशन बिठाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र में एक तरीके का डर का माहौल तैयार हो और लोग कमीशन में आगे आके अपनी बात ना रखें। तो इसके लिए ये कॉम्बी ऑपरेशन करवाए गए। तो हमें बहुत बड़ी बात नहीं लगती कि देवेंद्र फडणवीस सरकार ने कुछ कमीशन अपॉइंट की और उन्होंने वहां पे कमीशन अपॉइंट करके लोगों को वहां पे बुलाया, तो ये न्याय देने के लिए नहीं था, बल्कि ये लोगों को डराने के लिए था कि अगर आप कमीशन में आओगे, क्योंकि ऑलरेडी लोगों पे केसेस डाले जा चुके थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कमीशन जो बनाया गया चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और तभी के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस का एक फार्स था, क्योंकि यही कॉन्ट्राडिक्शन जो मैंने अभी बताया वो कमीशन बनाने के पीछे था। इसीलिए कमीशन में ज्यादा लोग इतने एफिडेविट देने के लिए नहीं आए। हजारों लाखों लोगों पे अटैक्स हुए, लेकिन कुछ हंड्रेड्स में अगर हम देखें तो एफिडेविट सिर्फ कमीशन में आके लोगों ने बात रखी। क्यों रखी? क्योंकि ये डर का माहौल उनके दिमाग में, उनके जहन में डाला गया और उनको एक तरीके की ये धमकी थी, एक तरीके का उनसे दमन था कि अगर आप आगे आके बात करेंगे तो हम लोग इसी तरीके से आप पे केसेस डालेंगे। तो ये इनडायरेक्ट धमकी। दूसरी बात, कमीशन में जो सुमित मलिक का जो अपॉइंटमेंट किया गया, हमने उस पे भी सवाल उठाए कि सुमित मलिक वाज देन चीफ सेक्रेटरी व्हेन देवेंद्र फडणवीस वाज चीफ मिनिस्टर। तो जब सरकार में चीफ सेक्रेटरी जिस व्यक्ति की अपॉइंटमेंट है उसको अगर आप ऐसे कमीशन में बिठाओगे तो न्याय निष्पक्ष कैसे होगा? उसकी कुछ न्याय इस तरीके से इंडिपेंडेंट होने की, निष्पक्ष होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो उसपे भी हमने सवाल उठाए थे। और इसके बाद हम सब देखते हैं कि जब भी ये सच सामने आने के लिए लोग रास्ते पे आने लगे, 26 मार्च 2018 को एक बहुत बड़ा यलगार मार्च मुंबई में हुआ, जिसपे लोगों ने इस कॉम्बिंग ऑपरेशन के विरोध में ये यलगार मार्च निकाला। 1.5 से 2 लाख लोग रास्ते पे आए, महाराष्ट्र से पूरे महाराष्ट्र से अलग अलग लोग मुंबई में मार्च के लिए आए थे। और उसके बाद चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को एक डेलीगेशन मिलने के लिए गया, एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर उसमें थे, श्रीमंत पोकाटे थे, बहुत सारे अलग अलग संगठन के लोग उसमें थे, और 10 से 15 लोगों का एक डेलीगेशन चीफ मिनिस्टर को मिलने के लिए गया। और देवेंद्र फडणवीस को उस टाइम पे बताया गया कि भाई इस तरीके से भिड़े और एकबोटे ने हमले करवाए हैं, आपके पुलिस डिपार्टमेंट ने, होम मिनिस्ट्री ने अगर इस लाइन ऑफ इंक्वायरी से आगे गए तो आपको सच सामने आएगा। लेकिन उन्होंने इस तरीके से लाइन ऑफ इंक्वायरी आगे नहीं की, उल्टा जो हम लोगों ने उनको बताए थे हमारे ही ऑफिस पे, हमारे ही घरों पे रेड डाली 17 अप्रैल को, मतलब 26 मार्च को मिलके हम उनको प्रूफ दे रहे हैं एक तरीके को किस तरीके से हमले हुए, और 17 अप्रैल को 15 दिन में वो लोग हमारे घर पे आके और ऑफिस में आके रेड डाल रहे हैं जो हमने देखी थी 2018 में। तो मुझे लगता है कि बेसिकली हिंदुत्ववादी फोर्सेस को बचाने के लिए और देवेंद्र फडणवीस खुद को बचाने के लिए ये पूरी तरीके से फार्स रचा गया, क्योंकि अगर भीमा कोरेगांव में हमले कैसे हुए ये अगर बाहर आता है तो सिर्फ मिलिंद एकबोटे और संभाजी भिड़े नहीं, देवेंद्र फडणवीस भी उसी इक्वल लेवल के अक्यूज कहलाएंगे और उसमें उनका हाथ है ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो ये बाहर ना आए इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने और उस टाइम के सरकार ने ये पूरा यलगार परिषद का केस रचा, एक स्क्रिप्ट बनाई, और अभी हम उसके बारे में जानते हैं कि किस तरीके से ये स्क्रिप्ट NIA आगे लेके जा रही है, जो पुणे पुलिस ने ड्राफ्ट करने के लिए सोची थी तो उसी स्क्रिप्ट को बहुत ड्रामेटिक तरीके से NIA को ट्रांसफर किया गया और वो NIA अभी इस तरीके से जांच उस लेवल पे लेके जा रही है और अरेस्ट हो रहे हैं। जो आपने बताया कि ये 1 जनवरी 2018 के पहले और बाद में किस तरह से सरकार द्वारा और पुलिस द्वारा अत्याचार किया गया और जो लोगों ने दंगा भड़काने की कोशिश की, लोगों में मतभेद निर्माण करने की और नफरत पैदा करने की कोशिश की, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होने की बजाय ये किस तरह से देश भर के 10 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और उन पर कहा जा रहा है, कभी कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री को मारने वाले थे इसलिए उन पर केस दायर किया गया, कभी बोला जाता है कि ये नक्सलवादी थे इसलिए इन पर केस दर्ज किया गया, और कभी बोले कि जनता को भड़काने वाले थे। तो आखिर ये है क्या केस? लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये केस इसलिए बनाया गया है, ये फैब्रिकेशन इसलिए बनाया गया है कि इसका 1 जनवरी को इन्होंने प्लान तरीके से हमले किए जो मैंने बोला। तो इसके जो रियल कल्प्रिट्स है, जो भिड़े एकबोटे है या फिर RSS है, BJP है और इनके सारे हिंदुत्ववादी आउटफिट्स ने, जिन लोगों ने ये हमले करवाए, इसमें सरकार ने इनके साथ मिलके ये हमले करवाए हैं, ये हमारा ठोस तरीके से दावा है।
जिस तरीके के प्रूफ्स हमने इसमें या फिर फैक्ट फाइंडिंग्स करके जो बाहर निकल के आया है, तो उस टाइम के और खास तौर से चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने भिड़े एक बोटे के साथ मिलकर इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक तरीके से मिलवा के ये हमले करवाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस सब को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए और पूरे एक तरीके से इस ट्रूथ को बाहर ना आने देने के लिए, सत्य बाहर ना आए, इसीलिए ये फैब्रिकेशन किया गया। एक दूसरी बात जो ये लोग कह रहे हैं कि 31 दिसंबर को यलगार परिषद में जो स्पीचेस हुए वो बहुत ज्यादा प्रोवोकेटिव थे, वहां पे आग लगाने की भाषा की गई, वो शहर जलाने की भाषा की गई, और इसीलिए दूसरे दिन 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में हमले हुए। आप अगर वो तुषार दामगुड़े जो कंप्लेनेंट है जिन्होंने FIR की 8 जनवरी 2018 को, उनकी कंप्लेंट अगर पढ़ेंगे तो उन्होंने उसमें वही लिखा है। वो कंप्लेंट बेसिकली FIR जो है वो पहले 6 लोगों पे है, जिसमें कबीर कला मंच के 4 लोग है और रिपब्लिकन पैंथर्स के सुधीर ढवले और मैं खुद, ऐसे 6 लोगों पे वो FIR है, जिसमें सुधीर ढवले, मैं, हर्षाली पोद्दार, सागर गोरखे, रमेश गायचोर, ज्योति जगताप और दीपक ढेंगले, इन 4-6 लोगों के नाम हैं, जिसमें से आज 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 3 लोग कबीर कला मंच के हाल ही में गिरफ्तार किए गए। तो उस FIR में ऐसा लिखा गया है कि 31 दिसंबर 2017 को यलगार परिषद में जो स्पीचेस और कल्चरल परफॉर्मेंस हुआ, उसके बाद लोगों में भड़काने की पूरी भावना वहां से आई, को उसकी वजह से 1 जनवरी को हमले हुए। मैं ये बोलना चाहूंगी कि 31 दिसंबर को जो एल्गार परिषद हुई, उसका पूरा रिकॉर्डिंग फेसबुक पे अवेलेबल है, उसका पूरा रिकॉर्डिंग हमने सोशल मीडिया पे डाल दिया था। अगर हम वो सारे स्पीचेस देखें तो उन स्पीचेस में कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जो बहुत ज्यादा किसी भी हालत में एक तरीके से हमले करवाने के लिए या फिर प्रोवोकेटिव तरीके का या फिर बहुत ज्यादा हेट स्पीच तरीके का, उसमें कोई भी उस तरीके का कंटेंट नहीं है। जिस कविता की वो बात करते हैं, सुधीर ढवले जी ने जो कविता ली थी, उस कविता की वजह से पूरी चीज हो गई। तो बेसिकली वो जो शेर था वो बर्टोल्ड ब्रेक्ट का शेर था, जो जाने माने एक बहुत बड़े नाटककार, एक बहुत बड़े साहित्यिक समझे जाते हैं। और दूसरी चीज ये थी कि उसमें बिल्कुल भी हर एक वक्ता ने, सिर्फ सुधीर ढवले ने नहीं, एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर हो, जस्टिस बीजी कोलसे पाटिल हो, जिग्नेश मेवाणी हो, उल्का महाजन हो, जितने भी स्पीकर्स वहां पे आए थे, सभी लोगों ने यही बात की, क्योंकि एल्गार परिषद का नारा ही यह था कि संविधान को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ और देश को बचाओ। तो इन नारों को लेके जो भी बात की गई वो जन आंदोलन की कही गई, जनता को एक साथ इकट्ठा करने की कही गई, और RSS बीजेपी के खिलाफ, फैसिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ, फैसिस्ट पूरे फोर्सेस के खिलाफ मोर्चा बांधने की बात की गई। तो इसमें कोई भी इंक्रिमिनेटिंग चीज नहीं थी, इसमें कोई भी हेट नहीं था, यह हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हम इस बारे में बात करें। तो ये जो इसको जो टारगेट किया गया, पहली FIR उसमें की गई। अभी ये FIR दर्ज करने के बाद उसमें तो, उस FIR में तो वैसे कुछ था नहीं जिसकी वजह से ये लोग अरेस्ट कर पाए, तो इनको कुछ मटेरियल चाहिए था, इनको कुछ चाहिए था जिसकी वजह से ये कार्रवाई आगे लेके जाए। तो अभी उनका कहना है, इन FIR में जिन लोगों के नाम थे, ये लोग माओइस्ट कनेक्शन, ये सस्पिशियस नाम थे, ऐसे पुलिस को लगा। अभी आप इसको थोड़े से और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं हम। मतलब FIR की है तुषार दामगुड़े नाम के एक बंदे ने, ठीक है। अभी ये बंदे का बैकग्राउंड क्या है, इस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, इसमें थोड़ा सा हमें जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तुषार दामगुड़े ये संभाजी भिड़े, मनोहर कुलकर्णी के ऑर्गेनाइजेशन से क्लोज रिलेशन रखता है। संभाजी भिड़े मनोहर कुलकर्णी के साथ उसके बहुत सारे फोटोज पाए गए हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो ये कंप्लेनेंट जो है वो 8 जनवरी को कंप्लेंट करता है, और फिर बाद में पुलिस को इस कंप्लेंट में बहुत ज्यादा ताकत दिखाई देती है। मतलब ये कितने ड्रामेटिक तरीके से है, ये हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। 1 जनवरी को हमले होते हैं तो पूरे महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग FIR रजिस्टर करते हैं, और उसमें कुछ FIR में भिड़े और एक बोटे का, जैसे अनीता सालवेग की FIR है उसमें भिड़े और एक बोटे का नाम है, रविंद्र चंदने की FIR है जिसमें भिड़े और एक बोटे का नाम है। तो ऐसे भिड़े और एक बोटे के नाम रहे हुए बहुत सारे FIR है, और
अलग तरीके से बाकी पुलिस पे भी, पुलिस के एक पूरे मॉडस ऑपरेंडी को भी लेके अंबेडकर राइट कार्यकर्ताओं ने, जो विक्टिम्स थे 1 जनवरी के, वो बहुत सारे दलित बहुजनों ने FIR किए। ये कोई भी FIR को लेके लाइन ऑफ इंक्वायरी नहीं होती, कोई भी इसमें से एक भी FIR को लेके चार्जशीट प्रिपेयर नहीं होती, लेकिन पुलिस को इंटरेस्ट सिर्फ तुषार दामगुड़े ने जो FIR की उसी में है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सस्पिशन का बैकग्राउंड तैयार होता है कि पुलिस ने एक ही FIR पिकअप की इतने सारे FIR में से, और फिर उनको ये लगा कि नहीं, ये लाइन ऑफ इंक्वायरी करना इसलिए चाहिए, मतलब उन्होंने दंगे 1 जनवरी के दंगे हुए या नहीं ये दूसरी बात, लेकिन इसमें जो नाम है उस नाम को लेके हमें FIR करना चाहिए। इसका मतलब है पुलिस के कुछ, पुलिस डिपार्टमेंट की या फिर उस टाइम के सरकार के कुछ ना कुछ उस तरीके पॉलिटिकल इंटरेस्ट है इस चीज में, इन लोगों को टारगेट करने के लिए जिन लोगों का FIR में नाम है। सुधीर ढवले का बैकग्राउंड के बारे में पुलिस हमेशा बताती रहती है, लेकिन ये नहीं बताती कि गोंदिया सेशन कोर्ट ने सुधीर ढवले को एक्विट कर दिया था 2014 में। पुलिस को बहुत ज्यादा फटकारा था, पुलिस को उस टाइम पे बहुत ज्यादा सुनाया था कि आप इस तरीके के फैब्रिकेटेड केसेस कैसे बना सकते हैं। इस तरीके का गोंदिया सेशन कोर्ट का जो जस्टिस असमार का जो जजमेंट है, वो जजमेंट हम सबको पढ़ना चाहिए उसमें, और पुलिस इस जजमेंट को लेके जब हाई कोर्ट में अपील करती है तो हाई कोर्ट वो अपील रिजेक्ट कर देता है पुलिस की। इसी से हमें समझ में आता है कि 2011 में जो सुधीर ढवले पे एक केस डाला गया वो भी फैब्रिकेटेड था, क्योंकि उसमें भी पुलिस कोई भी एविडेंस लेके नहीं आई थी, और उस बेसिस पे वो कहते हैं कि ऐसे लोग अगर ये FIR में है तो हमें जांच करनी पड़ेगी। और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, देवेंद्र फडणवीस से लेके पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस इस काम में लगता है कि इस FIR में जाते हैं, इस FIR में जाते हैं। और फिर वो क्या लेके आते हैं, वो फिर कोर्ट में अप्लाई करते हैं कि हमें इनके सर्च करना है, इनका इनके घरों पे रेड डालना है, और हमें इनके पास जो भी मटेरियल है वो जब्त करना है, और इसके लिए वो रेड का एप्लीकेशन करते हैं सेशंस कोर्ट में। लेकिन ये एप्लीकेशन जो है वो एक नहीं कुल मिला के 2 बार रिजेक्ट हो जाता है, और तीसरी बार भी कोर्ट उनको परमिशन नहीं देता, तो वो खुद के जो पावर्स है उसको लेके ये रेड्स डालते हैं। और फिर रेड्स डालते हैं तो रेड्स किस तरीके से डालते हैं, रेड्स पूरी तरीके से इलीगल रेड्स हैं। जब वो हमसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, और ये रेड्स वो 17 अप्रैल 2018 को डालते हैं, हम थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इनका मोडस ऑपरेंडी जो है वो हर देश में हर जगह पे, ये क्रोनोलॉजी कहीं ना कहीं बहुत मायने रखती है ऐसे केसेस में। तो ये रेड्स डालते हैं, और रेड्स डाल के हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, तभी जो रेड डाली गई थी वो पुणे में कबीर कला मंच के कार्यकर्ताओं, एक्टिविस्ट के घरों पे डाली गई थी, मुंबई में रिपब्लिकन पैंथर्स के हमारे ऑफिस पे रेड डाली गई थी, एडवोकेट सुरेंद्र घडलिंग सर के घर पे रेड डाली गई थी, और दिल्ली में रोना विल्सन के घर पे रेड डाली गई थी। तो ये जो रेड्स है, ये 4 रेड्स उन्होंने एक टाइम पे वहां उस टाइम पे 17 अप्रैल को डाले थे। और ये जब भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रेड्स डाल के ये लोग जमा करते हैं, तो ना इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का कोई भी हैश वैल्यू ये लोग लेते हैं, कोई भी लीगल प्रोसीजर इसमें फॉलो नहीं करते। तो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ये लोग लेके जाते हैं, और क्या करते हैं इसके बाद इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में उनका जो मटेरियल है, जो उनको प्रूव करना है कि ये कैसे माओइस्ट है, इनका लिंक कैसे है, तो अपना मटेरियल उसमें प्लांट करते हैं। वो जो अभी एविडेंसेस लेके आ रहे हैं, जो खत लेके आ रहे हैं, और ये दिखा रहे हैं कि इन खतों में लिखा है कि एक्स ने वाई को ये लिखा कि आप भीमा कोरेगांव के ये पूरा जो हमला हुआ उसमें उसका आप फायदा उठाइए, उसमें आप क्या कहते हैं एक तरीके से दंगा भड़काने के लिए आप इस तरीके से काम कीजिए, वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर ऐसे बहुत सारे लेटर्स उन्होंने लाए हैं। इन लेटर्स के अलावा जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, एक पेपर है जिसपे कुछ टाइप किया हुआ है और प्रिंट निकाला हुआ है उसका, और ये प्रिंट्स वो जोड़ रहे हैं एज क्या कहते हैं, ये उनका प्रूफ है। मतलब पूरे जुडिशरी का, लॉ का ये लोग मजाक बना के रखा है, और ये प्रूफ्स लेके वो आज बात कर रहे हैं कि इसकी यही प्रूफ्स है जिसकी वजह से हम इनको माओइस्ट कर रहे हैं, इसके अलावा उनके पास कोई प्रूफ्स नहीं है। मैं कहूंगी कि उस टाइम पे जब 6 जून 2018 को अरेस्ट किया गया 5 लोगों को, जिसमें सुधीर ढवले, एडवोकेट सुरेंद्र गडलिंग, रोना विल्सन, शोमा सेन और महेश राउत, इन लोगों को जब अरेस्ट किया गया, अभी हम इसके भी डिटेल में जाएंगे कि ये आज जो
कुल मिला के आंकड़ा 15 हो गया है। ये 15 लोग है कौन? ये 15 लोग अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो कला का हो, चाहे वो एडवोकेसी का हो, चाहे वो साहित्य का हो, चाहे वो जाति अंत के आंदोलन का हो, एकेडमिक्स का हो, ये अपने अपने क्षेत्र में काम करने वाले बहुत बड़े लोग हैं, जिनका एक पूरे मास पे इन्फ्लुएंस है। इनके पास खुद का एक बहुत बड़ा मास है, जनता उनको एक बहुत बड़े प्रेरणा के तौर पे देखती है। ऐसे देश भर में काम करने वाले, सामाजिक काम करने वाले, जाति अंत को, वर्ग अंत को, पेट्रियार्की को खत्म करने के लिए क्या कहते हैं, एक तरीके से अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस करने वाले ये बहुत जनता प्रेमी लोग हैं, और जिनपे जनता का एक बहुत बड़ा विश्वास है। और ये सारे लोग कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, पूंजीवाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है कि इन्हीं लोगों को, इन 15 लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है। जैसे आप कह रहे हैं कि इनका टारगेट हमेशा से अलग अलग रहा है, मतलब जैसे आपने बहुत अच्छी तरीके से वो शुरुआत में बताया क्यों अरेस्ट किया है, तो कभी कहते हैं कि 1 जनवरी को जो हमले हुए ना भीमा कोरेगांव में, उसलिए अरेस्ट किया है। दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और क्या कहते हैं, नहीं नहीं भीमा कोरेगांव में हमले हुए उसके लिए अरेस्ट नहीं किया, यलगार परिषद जो इन्होंने ली और वहां पे जो स्पीचेस दिए गए, तो यलगार परिषद ऑर्गेनाइज करने में माओवादियों का हाथ था, इसलिए हम इनको टारगेट कर रहे हैं। तीसरी बार फिर से इनका रीजन बदल जाता है, फिर से ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं इसलिए अरेस्ट नहीं किया, हम लोग ने अरेस्ट इसलिए किया क्योंकि ये जो एल्गार परिषद ऑर्गेनाइज की थी उसमें माओवादियों का फंडिंग आया था कहीं ना कहीं, और माओवादियों ने इनको फंडिंग दिया था। ये भी जब इन इन सब के बारे में भी जब लॉजिक्स बाहर आते हैं और पॉलिटिकल सोशल कैंपेनिंग होता है और उनका मजाक उड़ाया जाता है, फिर इनको कुछ में हाथ में नहीं रहता, तो ये फिर से अपना रीजन बदल देते हैं अरेस्ट का, और ये बोलते हैं नहीं नहीं इसके लिए अरेस्ट नहीं किया, हमने इसलिए अरेस्ट किया था क्योंकि पीएम असैसिनेशन का एक बहुत बड़ा प्लान, प्रधानमंत्री हत्या का एक बहुत बड़ा प्लान बन रहा था। तो हमारा कहना यह है, अगर पीएम असैसिनेशन का इतना बड़ा प्लान बन रहा था तो आपके इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, आपके पूरा जो फोर्स था, पुलिस फोर्स था, आप कर क्या रहे थे, मतलब आपने इतना वेट क्यों किया अगर ये इतना बड़ा प्लान बन रहा था। और वो पुलिस को समझ में नहीं आया, वो तुषार दामगुड़े को समझ में आता है। तो ये असैसिनेशन का प्लान ये बहुत आसान नहीं है ना, जभी जभी, और पीएम असैसिनेशन मतलब नरेंद्र मोदी जी को मारने का जो प्लान है वो हमेशा से तभी बाहर आता है, मतलब हर चीज में, देश में जो भी चीज होता है उसमें वो पीएम असैसिनेशन इस चीज को घुसाते हैं। अभी भी आई गेस कौन से दिल्ली राइट्स में या फिर याद नहीं मुझे, हाल ही में भी उन्होंने यही प्लान आगे लाया था। तो जभी जभी बीजेपी की सरकार, जभी जभी वो एक तरीके से अड़चन में आ जाते हैं, तो पीएम असैसिनेशन ये बहुत उनके लिए आसान चीज है जिसपे वो अपना पूरा क्या कहते हैं इमोशनल और पूरी तरीके से ये भावनाओं को ये करने का, इस्तेमाल करने का पूरी राजनीति वो करते रहते हैं। तो उनको खुद अभी तक वो जनता को और कोर्ट को बता नहीं पा रहे कि हमने इनको क्यों अरेस्ट किया, और जब ही ट्रायल शुरू होगी तो ये केस किस तरीके से फैब्रिकेटेड केस है ये चीज सामने आ जाएगी, इसलिए वो ट्रायल शुरू होने नहीं दे रहे। मतलब हम जो देख रहे हैं ना कि एक एक कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करना, ये किस लिए चल रहा है, क्योंकि उनको ट्रायल में जाना ही नहीं है। अगर ट्रायल में जाएंगे तो उनको पता है कि उनके पूरे एविडेंसेस की धज्जियां उड़ने वाली है कोर्ट में, और इस तरीके से धज्जियां उड़ने वाली है कि लोगों ने तो इस केस को पहले ही नकार दिया है, लोगों ने तो पहले ही, जनता ने बोल दिया है कि भाई ये फैब्रिकेटेड केस है, इससे कुछ निकल के आने वाला है नहीं, और ये जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं। तो जनता में तो उनकी पूरी ऑलरेडी इमेज जो है वो सामने आ चुकी है। अभी रही बात कोर्ट की, तो ट्राय इस तरीके से चार्जशीट बनाने के लिए फिर एक को अरेस्ट करेंगे, उनकी चार्जशीट बनाने के लिए टाइम मांगेंगे, फिर उस समय में चार्जशीट नहीं प्रिपेयर करेंगे और फिर एक्सटेंशन मांगेंगे चार्जशीट बनाने के लिए फिर से। तो यही चल रहा है, अभी इन तीनों को अरेस्ट किया है, फिर से वो चार्जशीट बनाने के लिए टाइम मांगेंगे, उसके लिए एक्सटेंशन मांगेंगे, और यही तरीके से ये काम चल रहा है। और जिस तरीके से मतलब और एक बात जो है, यूएपीए ये जो ड्रेकोनियन लॉ बनाया है, तो मुझे लगता है कि इसका एक बड़ा रोल है कि आप यूएपीए के अंडर किसी को भी अरेस्ट करो, बेल की प्रोविजन तो है नहीं, तो बेल आपको मिलेगा नहीं, तो आप क्या कहते हैं, आप बेगुनाह हो, इसका मतलब आप बेगुनाह हो कि भी आपको जेल में जाना पड़ रहा है और आपको बेल नहीं मिल रहा है, तो ये बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है, आपकी लिबर्टी कर्टेल की जा रही है एक तरीके से। पुलिस को पूरी तरीके से खुले पावर्स दे चुके हैं ये इस लॉ में, इस यूएपीए के पूरे कायदे में, कि आप कुछ भी कर सकते हो। प्राइमा फेसी एविडेंसेस ये लोग जो सामने लेके आ रहे हैं वो सब बोगस है, ये हम लोग देख चुके हैं। तो मुझे लगता है कि
इस पूरे केस के बारे में एक पॉलिटिकल और सोशल कैंपेनिंग जनता में लेके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स जो है वो भी जनता में लेके जाने बहुत जरूरी है। और हालांकि इन तीनों का जो अरेस्ट हुआ, अभी हमने देखा जैसे कबीर कला मंच के सागर गोरखे, रमेश गायचोर और ज्योति जगताप का जो अरेस्टिंग है, उसमें से सागर गोरखे और रमेश गायचोर को ये 164 देने के लिए बोल रहे हैं, जिसमें ये कहने के लिए बोल रहे हैं कि आप ये एग्री करिए, आप ये बताइए कि हमारे नक्सलवादियों से, माओवादी पार्टी से कनेक्शंस थे, और हम लोग जंगल में जाके आए, हम लोग गढ़चिरौली में जाके आए, हम लोग ने आर्म्स ट्रेनिंग लिया है। तो इस तरीके से 164 देने के लिए उनको कंपील करना, उन पे दबाव डालना, अगर आप देंगे नहीं तो हम अरेस्ट करेंगे, ये अगर आपका इन्वेस्टिगेशन है तो आपका इन्वेस्टिगेशन शुरुआत से आपने जो किया है उस पर पूरा सवाल ही है। मतलब जिस ड्रामेटिक तरीके से, और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि पुणे पुलिस ने इसका शुरुआत किया था, पुणे पुलिस के विश्रामबाग पुलिस स्टेशन में इस पे जो रजिस्टर हुआ एफआईआर, तो पुणे पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। जब भी महाराष्ट्र के सरकार बदलती है, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट थी तभी तक पुणे पुलिस के पास ही था, जब भी सरकार बदलती है और जब भी नई सरकार आती है शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की, और तभी वो लोग जब अनाउंस करते हैं कि भाई हमें इसमें कुछ प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहे हैं, और दिख रहा है कि ये गलत तरीके से बेगुनाह लोगों को अंदर डाला जा रहा है, तो उसके खिलाफ जब भी ये सरकार स्टैंड लेती है और कहती है कि हम एसआईटी बिठाएंगे इस पे कि भीमा कोरेगांव के हमले कैसे हुए, अलगार परिषद में ये सब झूठ तरीके से हुआ है, तो हम इस पे एसआईटी बिठाएंगे, तो बहुत ड्रामेटिक तरीके से एक रात में ये पूरी जो केस है अलगार परिषद की, वो एनआईए को ट्रांसफर कर दी जाती है। और उसके बाद में सबसे बड़ी हंसी ये है कि लास्ट मंथ में शिवाजी पवार ये जो आयो थे इस केस के, पुणे पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे इस केस के, उन्हें राष्ट्रपति के तौर से पदक दिया जाता है, उन्हें बहुत बड़ा ये दिया जाता है कि आपने बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया। तो हमारा बेसिक सवाल ये है कि अगर पुणे पुलिस के आयो जो थे शिवाजी पवार, इन्होंने इतना बड़ा अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया, तो भैया आपने फिर वो केस निकाल के एनआईए को क्यों ट्रांसफर कर दी? ये बहुत बेसिक सवाल है ना। अगर पुणे पुलिस इतना अच्छा इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो आपको एनआईए को ट्रांसफर करने की जरूरत क्या थी? तो मुझे लगता है कि ये बहुत एविडेंट हो चुका है अभी लोगों के सामने कि किस तरीके से ये फैब्रिकेशन किया गया है, और लोगों को अभी जो विटनेस लिए जा रहे हैं, जिनके जिनसे जिनसे आज 164 लिया है, वो सब 164 अगर उन्होंने लिया होगा तो ये 164 किस तरीके से लिया जा रहा है वो हम सागर और रमेश के अरेस्ट से देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो दमन वो लोग कर रहे हैं तो इसको लेके लोगों में जाना चाहिए, और ये सत्य जो है वो लोगों के सामने आना चाहिए। जब ये घटना घटी 2018 में तो बहुत सारे एफआईआर मिलिन एकबोटे और संभाजी भिड़े के खिलाफ रजिस्टर हुए, और ये एफआईआर में जहां तक मैं जानता हूँ मिलिन एकबोटे ने एंटिसिपेटरी बेल के लिए भी गया था और वो रिजेक्ट हुआ, उसके बाद भी उनको अरेस्ट नहीं हुआ। जैसे कि रमाबाई कॉलोनी में मनोहर कदम का कई बार एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट हुआ था लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया। तो अभी तो ये सरकार जो है महाराष्ट्र में ये केसेस पे मिलिंद एकबोटे को अरेस्ट कर सकती है, संभाजी भिड़े को अरेस्ट कर सकती है, दूसरे केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है अगर ये केस एनआईए को दे दिया, लेकिन दूसरे केसेस में ये इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, लेकिन सरकार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में आप क्या लगते हैं कि ये सरकार भी उन्हीं के कदमों पे चल रही है? मैं ये कहना चाह रही थी कि आपने जो सवाल उठाया या फिर आपने जो बोला है कि वो बहुत सही तरीके से बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट अभी बदल चुकी है और यहाँ पे शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की स्टेट गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट पहले वाले एफआईआर पे क्यों जोर नहीं दे रही है? तो मुझे भी, हमारे लिए भी ये सवाल बहुत अहम है कि ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर है तो क्यों नहीं उस पर लाइन ऑफ इंक्वायरी आगे लेके जा रहे हैं? तो मुझे ऐसे लगता है मैंने इसके लिए हमें एक बहुत बड़ा जन आंदोलन छेड़ने की जरूरत होगी। एक तो एसआईटी अपने तरीके से फॉर्म होगी और कभी होगी, उसका ट्रुथ कैसे बाहर निकलेगा ये एक चीज है, लेकिन दूसरी चीज है ऑलरेडी एफआईआर जो रजिस्टर्ड है भिड़े एकबोटे के खिलाफ, हिंदुत्ववादियों के खिलाफ, उसके ऊपर इन केसेस की आज तक एक भी चार्जशीट प्रिपेयर नहीं हुई, और ये सबसे बड़ा हमें एविडेंस है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में सरकार बदलने के बावजूद आरएसएस का और ब्राह्मणवादियों का कंट्रोल किस तरीके से है। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट बदलने के बावजूद ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है ब्यूरोक्रेसी एक बहुत बड़े तरीके से डिवाइड हो चुकी है, जिसमें राइट विंग बहुत
अपना बहुत इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले कर रही है, और ये इन्फ्लुएंशियल रोल राइट विंग के ये लोग है, ये आईपीएस ऑफिसर्स जो है, जो पुलिस ऑफिसर्स है, ये जनता के लिए काम करने के लिए नहीं आए, ये हमें लोगों में लेके जाना पड़ेगा। ये आरएसएस के लिए काम करते हैं, ये बीजेपी के लिए काम करते हैं, ये हिंदुत्ववादी आउटफिट्स के लिए और उनके आइडियोलॉजी को बचाने के लिए काम करते हैं। ये भी एक पॉलिटिकल और सोशल कैंपेन हमें लोगों में लेके जाना पड़ेगा। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ये एक ही एफआईआर पे कॉन्सेंट्रेट करता है और बाकी सारे एफआईआर्स को एक तरीके से कचरे का डिब्बा दिखाता है, तो इसका मतलब है कि उनको गाइडेंस सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट से या फिर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट से नहीं है, और स्टेट गवर्नमेंट बदलने के बावजूद भी वो इसी पे जोर देते हैं अगर, तो इसका मतलब है कि आरएसएस का और बीजेपी का एक सत्ता में ना होने के बावजूद भी एक कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी पे है, और इस कंट्रोल को हम लोग को एक्सपोज करना पड़ेगा, लोगों के सामने लेके जाना पड़ेगा। सीधी तरह से आपको लगता नहीं है कि ये स्टेट गवर्नमेंट जवाबदार है जो कोई भी निर्णय या कोई भी स्टेप नहीं ले पा रही है? सरकार की तरफ से तो कोई भी दिशा नहीं दिख रही है, वो ब्यूरोक्रेसी नहीं कर रही है, वो आगे का स्टेप है, लेकिन सरकार तो कुछ नहीं कर रही है। बिल्कुल, सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है, जो शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी की अभी सरकार बनी है वो सरकार भी उतने ही जिम्मेदार है, क्योंकि अगर वो सरकार फॉर्म होती है और वो ये शुरुआत में बोलते हैं कि हमें भीमा कोरेगांव में एक तरीके से क्या कहते हैं ये सब हमें दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी ये जिम्मेदारी है कि उनके होम डिपार्टमेंट ने एक एक्शन लेना और एक तरीके से इस पे लाइन ऑफ इंक्वायरी आगे चलाना। तो सरकार अगर बदलती है और सरकार अगर ये कह रही है, क्लेम कर रही है कि हम दलित बहुजनों के लिए और इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उनको एक एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर वो ये नहीं कर पाते, अगर कल अभी न्यूज़पेपर में आया था कि वो उन्होंने एसआईटी फॉर्म करने के बारे में फिर से एक बार सोचा है, लेकिन अगर ये नहीं होता तो उनके भी इंटेंशंस पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, और मुझे लगता है जनता ने वो सवाल खड़ा करना चाहिए कि अगर आप कह रहे हैं कि आपको करना है तो आप सिर्फ एसआईटी बिठा के ही नहीं, आपके जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड एफआईआर है उसको आगे लेके आप निष्पक्ष जांच कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं करते तो उनके भी इंटेंशन पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं का क्या। अगर इस तरह से हो रही है, ना जुडिशरी काम कर रही है, ना सरकार काम कर रही है, आप क्या कहना चाहती हैं कि आगे कैसे होगा? मैं ये कहना चाहूंगी कि एक तो इसके लिए एक बहुत बड़े पॉलिटिकल कैंपेनिंग की और सोशल कैंपेनिंग की जरूरत है, और जनता में जाने के लिए बेसिकली सारे मार्ग जो है, सारे रास्ते जो है वो बंद किए जा रहे हैं। कैसे बंद किए जा रहे हैं? तो जो लोग बाहर बचे हैं, जो बाहर आवाज उठाते हैं, उनको अगर हम लोग भीमा कोरेगांव केस में अंदर नहीं डाल पा रहे, तो उनपे बाकी के केसेस लगाइए। मतलब उनपे जैसे अभी बीच में आपने सुना होगा कि सुवर्णा सालवे पे एनआरसी के आंदोलन को लेके उन्होंने केस डाला था और उसमें 50 लाख की श्योरिटी उन्होंने डिमांड की थी। तो ये जन आंदोलन को लेके इस तरीके से छोटे छोटे केसेस बाकी के कार्यकर्ताओं पे डाले, जिसकी वजह से वो लोगों में जा नहीं पाए। तो मैं आपने जो पहले सवाल पूछा उस पे भी मैं इसको कनेक्ट करूंगी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ये चाहती है, अगर स्टेट गवर्नमेंट पहले के स्टेट गवर्नमेंट से अलग है, तो उनको ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये केसेस तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं डाल रही, ये केसेस तो स्टेट गवर्नमेंट डाल रही है। तो हमें उनके ऊपर भी ये सवाल खड़ा करना पड़ेगा कि बाहर जो लोग हैं वो अगर काम कर रहे हैं और उनके ऊपर अगर आप इस तरीके के केसेस डालेंगे, तो इसका मतलब है कि आप भी वही कर रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि इस चीज को आगे लेके जाके जनता में एक प्रबोधन की जरूरत है, और ये प्रबोधन दो तरीके से होना चाहिए। एक, भीमा कोरेगांव के हमले किस तरीके से हुए और उसका मोडस ऑपरेंडी और एग्जीक्यूशन कैसे किया गया, और दूसरा, यलगार परिषद का पूरा केस किस तरीके से फैब्रिकेटेड है और उसमें एविडेंसेस किस तरीके से हुए। उन्होंने मीडिया ट्रायल्स चलाए बाहर और उसमें बहुत झूठी तरीके से सारी चीजें बाहर लाई। तो हमारा भी एक मीडिया, हमारा भी एक उस तरीके का जनता का आवाज, जैसे आपका जनता का आईना, तो जनता के आईने में हमें ये चीज लोगों के सामने लानी पड़ेगी और जनता के सामने जाना पड़ेगा इन सब फैक्ट्स को लेके, और एक आंदोलन, पुरजोर आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। जिस तरह से अन्याय अत्याचार हुआ, इतने कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया, और खासकर मैं महाराष्ट्र की बात करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के इतने कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया, लेकिन जिस तरह से जो संविधान को मानते हैं उस जनता की भी मैं बात करूं, तो जो उठाव होना चाहिए था, जो विद्रोह होना चाहिए था, जो विरोध होना चाहिए था, वैसा कहीं पे भी कुछ दिखाई नहीं दिया, एकदम शांति दिखाई दे रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है?
जी नहीं, 3 साल आंदोलन दिखाई नहीं दिया, इसकी वजह हम लोग अलग अलग चीजों में देख सकते हैं। मैंने जैसे शुरुआत में ही बोला कि ये आंदोलन ना हो इसके लिए ही इसकी शुरुआत कॉम्बिंग ऑपरेशन से शुरू की गई। जिन लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, जिनकी अस्तित्व की लड़ाई चल रही है, वो लोग रास्ते पे फिर भी आए। कॉम्बिंग ऑपरेशन होने के बाद हम लोग 26 मार्च को जो यलगार मार्च देखेंगे 2018 में, वो इसी को लेके था। और कम से कम 1.5 से 2 लाख लोग उसपे उस समय रास्ते पे आए, और रास्ते पे आके उन्होंने अपना विरोध दर्शाया। ऐसे नहीं था कि नहीं दर्शाया, तो शुरुआत के 3-4 महीने में 6 महीने में ये विरोध था। लेकिन जिस तरीके के कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए गए और उसके बाद जिस तरीके से अरेस्ट शुरू हुए और मेंटल हैरेसमेंट कार्यकर्ताओं की शुरू हुई, तो उसके बाद एक डर का माहौल कहीं ना कहीं बैठा। राजनीति जो और हम मैं ये भी खुली तरीके से कहना चाहूंगी कि जब सोशल मूवमेंट को एक तरीके से कभी ना कभी राजनीति के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके रिपरकशंस भी हम देख सकते हैं। हम इस पूरे चीज में सोशल मूवमेंट को लेके आगे जाना चाहते थे, लेकिन हर एक अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने, फिर वो कोई भी हो, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में अपनी राजनीति उसमें ढूंढी, और राजनीति ढूंढने की वजह से सोशल मूवमेंट को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा गया। तो हमें हमारी हम जैसे लोगों की या फिर ये सारे सोशल संगठन की, सामाजिक संगठन की ये जिम्मेदारी होगी कहीं ना कहीं कि राजनीति को अगर हमें एक ढंग पे लाना है, एक रास्ते पे लाना है, तो हमारी ताकत लोगों में लेके जानी पड़ेगी। और वो जो रास्ता भटकाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है जनता को, उस गुमराह करने के खिलाफ में भी, चाहे वो अलग अलग माध्यम से हो, तो मुझे लगता है कि उस गुमराह करने की नीति को भी कहीं ना कहीं चित करके हमें सोशल मूवमेंट को एक अभी इस सब का कब्जा लेना जरूरी होगा। कब्जा ये सही वर्ड है अब नहीं पता नहीं, लेकिन उस पे एक तरीके का होल्ड लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। हर्षाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी तरह से सारी बातें रखी। अगर कोई बात छूट गई है, आप बोलना चाहते हैं कार्यकर्ताओं को या जो भी, तो आप बोल सकते हैं। यही अपील करना चाहूंगी एंड में कि ये आंकड़ा 15 तक पहुंच चुका है यलगार परिषद भीमा कोरेगांव केस में, और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। मतलब अभी जो FIR में 2 लोग बचे हैं, शायद वो लोग उन्हें भी अरेस्ट करें। आने वाले वक्त में मेरी भी अरेस्ट हो सकती है, क्योंकि पहले FIR में मेरा भी नाम है, मेरी NIAC में इंक्वायरी हो चुकी है। और एक बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि अभी भी NIA के तरफ से बहुत सारे अम्बेडकराइट कार्यकर्ताओं के भी इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं। अभी उस इन्वेस्टिगेशन में क्या हो रहा है, वो क्या अम्बेडकराइट कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं, किस तरीके से वो सब चल रहा है, वो हमें पता नहीं कि उनकी मोडस ऑपरेंडी किस तरीके की है इन्वेस्टिगेशन को लेके। लेकिन अगर सागर रमेश जैसे इतने बुलंद कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने पहले 4 साल जेल में वो रह के आए हैं, उस टाइम पे भी मतलब 2013 से लेके 2016 तक वो जेल में थे, तो अगर ऐसे कार्यकर्ताओं को वो धमका सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि आप एग्री करो नहीं तो आपको अरेस्ट करेंगे, तो बाकी के कार्यकर्ताओं को भी ऐसे नहीं किया होगा, इसकी गारंटी हम क्या ले? जिसकी वजह से भी लोग डर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सहमा सा माहौल जो है वो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है इसके बावजूद हमें खड़े होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शायद मुझे ये मौका फिर से मिलेगा नहीं मिलेगा ये मुझे पता नहीं, अगर मेरी अरेस्टिंग हो जाती है तो मुझे ये फिर से मौका नहीं मिलने वाला जनता के सामने आके कुछ बोलने का। तो मुझे लगता है कि अगर जनता का आईना ये चीज, ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है कि जनता को अगर अपना आईना खुद दिखेगा तो उनको दिखेगा कि इसमें एक बहुत बड़ी ताकत है, उसमें एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं, एक पोटेंशियल है बहुत बड़ा, कि अगर जनता रास्ते पे आती है तो कोई भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार है, कोई भी ब्राह्मणवादी फैसिस्ट सरकार हो, कोई उनका कुछ नहीं उखाड़ सकती। तो मुझे लगता है इसी कॉन्फिडेंस से हमें एक जन आंदोलन बहुत बड़े तरीके से नेशनल लेवल पे और आगे लेके जाना जरूरी है। धन्यवाद हर्षाली जी, धन्यवाद। ये सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं है, ये सब हम सब की लड़ाई है, और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। शुक्रिया जी।